देखिए दोस्तों, कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू शिमला मिर्चें बन के तैयार हो गई हैं। और मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि ना असाद भी बिजी हैं मदरसे में अपने स्कूल में, और असाद के पापा भी आजकल घर में नहीं हैं, कंप्लेन वगैरह पे जा रहे हैं वो ज़्यादातर, तो ब्लॉग नहीं बन पा रहा और डल भी नहीं पा रहा। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, नज़ला खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गले आ रहे हैं शायद उसकी वजह से मुझे ये सब हुआ है फिलहाल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च, तो मैंने कहा चलो रेसिपी का ही ब्लॉग डाल देते हैं बना के। तो अभी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अभी हम खाएंगे भी नहीं लेकिन सुबह हमें जो है बाहर से आता है, बाहर का ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी हिम्मत करके खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों ले ली है मीडियम साइज़ की प्याज, ले ली है 4-5 ली है मैंने टमाटर, और ना 4 ही हरी मिर्चें हैं ये, साथ में इसमें मैंने डाली है राई, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, वैसे डालना तो नहीं चाहिए गले आ रहे, लेकिन मैंने थोड़ी सी डाल दी है जायके के लिए। और ये है शिमला मिर्चें, ये 4 ली थी मैंने, 4 लेके कट कर ली है। और ये 5 बड़े बड़े आलू थे जिनको मैंने इस तरह क्यूब में कट कर लिया है, देखिए इस तरह क्यूब में कट कर लिया है। साथ में जो है आज इसके अंदर एक ट्विस्ट है, तो आज मैंने ये पहली बार मैं ऐड कर रही हूँ, पहले कभी नहीं किया। तो इसमें दाना मेथी है थोड़ी सी, और दाना मेथी गर्म होती है तो अच्छी होती है, और जो है इससे जो है ठंड भी नहीं होती आपको, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये भी ऐड करती हूँ मैं खाने में। और ज़ीरा रखा हुआ है, सारे मसाले हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैंने पतीली रख दी है चूल्हे पे और गैस नहीं आ रही है, फिर से सिलेंडर पे पक रहा है खाना। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने धो के रखी थी वॉश करके, कैबिनेट से निकाल के इसके अंदर मैं ऑयल डाल देती हूँ। देखिए ऑयल मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है, और ऑयल जो है ना गर्म भी हो चुका है, इसके अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। तो चलिए ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और साथ में दाना मेथी भी ऐड कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, तो देख लीजिए दोनों चीज़ें चटक गई हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज भी ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को, इसको प्याज को थोड़ा चलाएंगे और ना लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए प्याज हो गई है लाइट ब्राउन, अब साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, हरी मिर्चें और राई। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है ना मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, हरी मिर्चें, और साथ में मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है देखिए भर के। और अब कैसे मैंने इस तरह से इसे ब्लेंडर किया है, वो जो है ना ज़्यादा यानी पीसा नहीं है, दरदरा सा किया है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून लेंगे मसाले के साथ। तो दोस्तों अभी जो है साथ के साथ जो हमारे मुन्नी आती है सामने वाली, वो आ गई है खेलनी है। और ये देखिए कुछ मसाले हैं मैंने इसमें निकाल लिए हैं प्लेट में, ये है 1.5 टेबल स्पून मैंने वो लिया है नमक, और 1 टेबल स्पून लिए हैं पिसी मिर्चें, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया, 1/2 टेबल स्पून ली है मैंने हल्दी, ये सब भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं साथ में। तो दोस्तों इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो दोस्तों देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है, इसमें बिल्कुल इतना सा पानी मैंने थोड़ा सा लिया था वो ऐड कर दिया था ताकि टमाटर ना अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ शिमला मिर्चें और आलू, मसाला हमारा भून गया है, देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। दोस्तों इशाइयाँ लाने हो गई हैं, मसाला भून गया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्चें, शिमला मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साथ में आलू, दोनों चीज़ें साथ ही गल जाएंगी। तो दोस्तों आलू इसमें मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी ले लिया है उसी बाउल में, तो पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे जो आलू हैं और शिमला मिर्चें वो गल जाए अच्छी तरीके से, तो इनको मिक्स कर देंगे अब। तो दोस्तों देखिए आलू भी इसमें ऐड हो गए, शिमला मिर्चें भी, और पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब इसको ढक के रख देंगे जब तक कि ये दोनों चीज़ें गल नहीं जाती और भून नहीं जाती है।
दोस्तों देखिए मज़ेदार सी हमारी आलू शिमला मिर्चें रेडी हो गई हैं और आलू भी गल गए हैं हमारे, शिमला मिर्चें भी, और जो है मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, बिल्कुल रेडी है ये। अभी जो है मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू शिमला मिर्चें बन के तैयार हो गई हैं और मैं लेके आ गई हूँ प्लेट में निकाल के। बस आज के बाबा तो है नहीं और तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, नज़ला खांसी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं ही खाती हूँ और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखिए दोस्तों टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े की बनी है, मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आई होगी आज की रेसिपी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।